का ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, बच्चों जो गर्ल्स हैं वो लोग प्लीज अपने चुनिया स्कार्फ अपने हेड के ऊपर डाल ले। ओके सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। पहले केजी, जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था कि केजी का अलग होगा, जूनियर्स का अलग होगा, सॉरी, सो जो छोटे बच्चे हैं उनका अलग होगा और जो बड़े बच्चे हैं उनका अलग होगा। तो मैंने बच्चों, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के, प्लीज़ अपना अपना हाथ उठाओ, वीडियो ऑन करो, अपना हाथ उठाओ बेटा। हाँ ऐसे ही उठाओ और सलोमी बैठ जाओ आराम से। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो बच्चों अभी आप ध्यान से सुनना, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके लिए है, और 7 साल से बड़े वाले बच्चे वो बाद में। ओके तो ये आपके लिए है, ये हमारा क्विज होने वाला है अगले। हमारा ये क्विज 20 जून को होगा, डेट याद रखना बच्चों 20 जून को। इसमें 4 राउंड्स होंगे जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड 2 मार्क्स का, सेकेंड राउंड 3 मार्क्स का, थर्ड राउंड 5 मार्क्स का और फोर्थ राउंड 7 मार्क्स का। सो टोटल 17 मार्क्स, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक आएगा। तो बच्चों कोशिश करना कि सब फर्स्ट रैंक आए और सेकेंड थर्ड वाला भी पूरा खाली रहे। ओके ओके आपका फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में ये छोटे बच्चों के लिए, 7 साल से कम उम्र वालों के लिए, आपको क्या करना है कि एक वर्ड नहीं दिया रहेगा वहां पे। जैसे आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है कि एक क्वेश्चन है, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक और इसमें दो ऑप्शंस है, शैतान या परमेश्वर, आपको कोई एक चूज करना है। सॉरी बच्चों मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, पर अगर आपको समझ परमेश्वर बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लो, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप पूछ लेना। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वचन डैश की ओर से होता है वो प्रभावशाली नहीं, वो प्रभाव रहित नहीं होता, लूका 1:37। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या है, परमेश्वर। तो अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप नहीं देते हो आंसर तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये फर्स्ट राउंड था। एंड सेकेंड राउंड है कि ट्रू और फॉल्स को चूज करना है। अच्छा बच्चों आपके सामने एक मेमोरी वर्स है, ये तो आपको बताना है कि मतलब ये सही है या गलत। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये सही है या गलत? गलत है ना बच्चों। तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये गलत है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये छोटे बच्चों का थर्ड सेकेंड राउंड। ओके ओके हेलो हो गया सलोमी? यस दी या प्लीज टेक केयर ऑफ द माइक्स, दी आई विल कंट्रोल इट। ओके थैंक यू। ओके बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, ये थर्ड राउंड है, आज हम लोग बहुत लेट हो गए। ओके तो ये थर्ड राउंड छोटे बच्चों के लिए, 7 साल से कम उम्र वालों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे गेम खेलेंगे। ओके बच्चों गेम, तो आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, आपको थोड़ा सा मतलब वचन लिखा है, परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें, यहाँ तक लिखा है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखो तो एक बच्चा खड़ा है और राइट साइड पे है। बच्चों प्लीज माइक म्यूट कर लो। ओके तो लेफ्ट साइड पे छोटा सा, कैन आई जस्ट म्यूट ऑल वंस एंड देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आफ्टर दैट। श्योर 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 ओके यस दी यू कैन अनम्यूट योर। ओके थैंक यू सलोमी। ओके तो आपको यहाँ पे एक छोटी आय दिख रही है ना, और यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा बच्चा है और उसका घर वहां पर है, टॉप राइट पे दिख रहा है ना आपको घर, तो उसको उसके घर पे पहुंचाना है। ये एक छोटा सा गेम है छोटे बच्चों के लिए, आपका थर्ड राउंड है बच्चों। ओके तो कि सीढ़ियां बनाने यहां से वहां तक जाने के लिए, अब सीढ़ियां पता कैसे बनेंगे, अगर आप इस आयत को कंप्लीट करोगे तो सीढ़ियां बनेंगे उसके दरवाजे तक। ओके तो चलो देखते हैं हम क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपको बोलना है, अगर आप सही बोलोगे तो नेक्स्ट सीढ़ी आएगी, एक सीढ़ी आएगी, सामर्थ से, परमेश्वर सच्चा वह तुम्हें सामर्थ से बाहर, नेक्स्ट नेक्स्ट सीढ़ी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट सीढ़ी के लिए आपको दूसरा वर्ड बोलना पड़ेगा, सामर्थ से बाहर परीक्षा, फिर नेक्स्ट वर्ड बोलो तो नेक्स्ट सीढ़ी आएगी, मैं ना, फिर नेक्स्ट सीढ़ी के लिए नेक्स्ट वर्ड, पढ़ने देगा। तो जो देखो बच्चों अब सारी सीढ़ियां बन गए ना, अब ये बच्चा अपने घर जा सकता है। तो पूरा वर्ष क्या है, परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ेगा। और जब ये हो जाएगा इसका दरवाजा खुल जाएगा और ये बच्चा कहाँ चला जाएगा, अपने घर। ओके अगर आप ये पूरा कर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो बच्चों आप चाहते हो ना ये अपने घर में चले जाए, तो आप जरूर आयत याद करके आना 20 जून तक। ओके ये था आपका राउंड, आपका लास्ट राउंड, छोटे बच्चों का लास्ट राउंड है जैसे हम लोग हर बार करते हैं। आपको कोई एक नंबर चूज करना है, नंबर चूज करना है उसमें जो आयत है आपको वो बोलना है। बट इसमें हम लोग आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं, क्या है कि आपको नीचे आयत लिखे रहेंगे कि क्या लिखा है। ओके
कौन सा आपको आयत बोलना है, वो उसका रेफरेंस जो है उसकी उसका हवाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप चूज़ कर सकते हो कि, या मम्मी आपकी हेल्प कर सकती है कि आपको जो आता है आप वो चूज़ करो। ओके, जैसे अगर मैं अभी 7 वाला चूज़ करती हूँ, रोमियो 421, तो मैं 7 वाले पे जाऊँगी और वहाँ पर जो जो रेफरेंस होगा वो आपको बोलना है। जब आप बोल दोगे तो फिर हम आपको आंसर दिखाएंगे, है ना। तो ये ऐसा होगा, पर बच्चों जब रिटर्न आओगे ना, आप देखना 7 वाला नंबर है कि अगर एक बच्चे ने बोल दिया तो फिर दूसरा उसको नहीं बोल सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक नहीं, कम से कम 4-5 आयत याद करके रखना। ओके, अब मैं देखो, मैं 17 वाला चूज़ करती हूँ। अब कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, पर 7 वाला चूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही। ओके, तो ये था आपका केजी, मतलब छोटे बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के। ओके, तो मैं अभी जल्दी से आपको मतलब वो वाला स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जो 7 साल से बड़े बच्चों का है। जैसे आप वैसे आप लोग खेलते आ रहे हो और आपको पता है, बट स्टिल मैं आपको एक बार मतलब आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे होने वाला है। ओके, तो ये है आपका, कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉमन होंगे आपके लिए भी। हाँ, फर्स्ट राउंड 2 मार्क्स का है, सेकेंड राउंड 3 मार्क्स का है, थर्ड राउंड 5 मार्क्स का है, फोर्थ राउंड 7 मार्क्स का है। बच्चों टोटल 17 मार्क्स का है, और अगर आप फुल आउट ऑफ फुल लाते हो तो आप फर्स्ट रैंक हो जाओगे। ओके, तो प्रिपेयर वेल। और ये वाला फर्स्ट, इसका फर्स्ट राउंड क्या होगा, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और उसमें क्या है, पिक्चर ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे जो आयत है उसमें यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे कुछ तारे या कुछ आकाश जैसा कुछ दिख रहा है, तो आकाश तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके, अगर आप सही बताते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या है, तो ये तो आकाश जैसा दिख रहा है। बच्चों आपको करेक्ट वर्ड भी बोलना है, तो करेक्ट वर्ड बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हमने एक और हिंट दे रखा है, जो शब्द वहाँ पे आएगा वो उसी को हमने जम्बल्ड करके यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। ओके, तो आप यहाँ से भी हेल्प कर सकते हो। बच्चों हमने ये इतना हिंट आपको इसलिए दिया है ताकि आप लोग एग्जैक्ट वर्ड बता सको। तो ये पिक्चर से तो बहुत सारी बातें पता चल रही है, पर आपको एग्जैक्ट वर्ड कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप लोग आयत याद करके आओगे। तो बच्चों आप जरूर याद करके आना। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिखाने वालों की चमक डैश सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आकाशमंडल। तो अभी मैं ये नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं अगली बार आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा। तो ये आपका था फर्स्ट राउंड। सो सेकेंड राउंड है कि क्या मिसिंग है आपको ये बताना है। बच्चों यहाँ पे आप लोग ने, आई होप आपने याद किया, अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है मिसिंग है। यहाँ पे रेफरेंस है, हवाला है प्रेरितों का काम 16:31। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रेरितों का काम 16:31। तो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो है तू। तो अगर आप ये करेक्ट वर्ड बता दोगे कि आप क्या मिसिंग है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों प्लीज आप ऐसी तैयारी करके आना। ओके, नेक्स्ट राउंड है आपका 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स का राउंड कैसे होगा, इसमें आपको 3 पूरा का पूरा रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, बट इन तीनों में से सिर्फ एक ही सही है। ओके, तो आपको आपको चुनना है कि कौन सा सही है। आप अगर बस इतना बता दोगे कि ये रेड वाला सही है दीदी, ग्रीन वाला सही है, ब्लू वाला सही है, तो हम लोग समझ जाएंगे, हमको मार्क्स दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं, बच्चों टाइम नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको सही वाला आंसर बता देती हूँ, ये ब्लू वाला सही है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा इसको करने में। ये जो ऊपर रेड वाला आ रहा है ना, वो 30 सेकेंड्स में वो काउंटर फिनिश हो जाएगा। देखो आप जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, 30 सेकेंड्स में ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान रखना बच्चों कि आप अच्छे से याद करके आओ। बच्चों अब बस याद करके आओ, अब बस अपने अपने मेमोरी वर्ड से याद करके आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अच्छे से आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो यह था अपना थर्ड राउंड। और लास्ट राउंड क्या है, जैसे छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया वैसे ही आपको एक नंबर चूज करना है, और उस नंबर पे जो भी हवाला लिखा रहेगा आपको उसका मेमोरी वर्ड्स बताना है। ओके, मैं 7 चूज करती हूँ बच्चों। 7 में क्या आया देखते हैं, उत्पत्ति 26:24। देखते हैं इस रेफरेंस में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर बच्चों अगर आप बोल देते हो कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जब बोल देते हो और आपका आंसर सही भी हो जाता है, तो आपको 7 मार्क्स मिलता है। तो बच्चों ये था आपका मेमोरी वर्ड्स। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे। आओगे ना, यस। आंटी दीदी, हाँ, मौसम सिस्टर, वो जो आपने मेमोरी वर्ड्स दिया था ना, तो उसका
एक बार वापस स्क्रीन शेयर मैं कर भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। मौसम सिस्टर आप बता दीजिए मेमोरी वर्स का। हाँ, सब बच्चों को जय मसीह की। पिछली बार जब मैंने आपको संडे स्कूल में सिखाई थी, अब उस हवाले को, उस मेमोरी वर्स को बताओ। बच्चा हाथ उठा देगा अपना, जो बच्चे को याद है, अपना बच्चा अपना हाथ हाथ उठा दो बेटा, जिसे जिसे याद है पिछले संडे का मेमोरी वर्स, जो हमने याकूब और ईसाओ और ईसाक के जीवन से सीखा था। बच्चा बताओ किसके याद है? रायका ने हाथ उठाया। अच्छा, रायका बताओ बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा रायका। और आप बताओ, दूसरे बच्चे बताओ जो बस एक और बच्चा आज आज हमारे पास टाइम है, तो एक और बच्चे से पूछ लीजिए। सिस्टर सैमुएल अर्पित इनोश का हाथ ऊपर है, एंजल एस्थर का हाथ ऊपर है, शारा और कैरोलिन का हाथ ऊपर है, अर्पण मैकारिस का हाथ ऊपर है। बताओ, बताओ। बस एक बच्चा आज बता दे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हम। सैमुएल अर्पित इनोश आप बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी अपने कामों पर यहोवा पर डाल दो, क्योंकि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी सारी लेट हो गया है ना। बच्चों को अच्छे से याद कर लेना, और जिन बच्चों ने वर्कशीट नहीं भेजी है उन बच्चों को पता है, जो थोड़े ही रह रहे हैं बेटा, वर्कशीट भेज दियो, ठीक है? आज भेज दियो, शाम तक, ठीक है टीना? ओके सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। प्रीति आप स्टार्ट कर सकते हैं। सब बच्चों को जेम्स की माइक म्यूट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी दीदी। हाँ शारा दीदी, मेमोरी वर्ड सुना रही। नहीं नहीं बेटा, आज थोड़ा लेट हो गया ना, अगली बार, अगली बार आपने किया, वेरी गुड, अगली बार। ओके प्रीति, प्लीज स्टार्ट। ओके बच्चों, लास्ट संडे जो हमने पढ़ा था उसी का हम आगे का हिस्सा देखेंगे। लास्ट संडे क्या क्या पढ़ा था हमने, किसी बच्चे को याद है? अगर याद है तो बस हाथ दिखाएंगे, ठीक है? बोलेंगे नहीं, हाथ दिखाएंगे। याद है लास्ट संडे क्या पढ़ा था हमने? अर्पण आपको याद है लास्ट संडे क्या पढ़ा था? हाथ दिखाएंगे बस। ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। लास्ट संडे हमने याकूब के बारे में पढ़ा था ना, याकूब ने क्या 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 था? अपने भाई का अधिकार। सब बच्चे अपना, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा आ रही है, मेरे को तो सुनाई दे रही है। बच्चों प्लीज अपना म्यूट कर दे, डिस्टर्ब ना करें बीच में, आप सुनिए ठीक है दीदी क्या बोल रही है। ओके ठीक है, पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ठीक है? परमेश्वर पिता विश्वमसी, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी, जो भी हम बच्चों को सिखाती हूँ मैं, परमेश्वर प्रभु जी आप मेरी सहायता मदद करें, अच्छे वर्ड से गलती होने से बचाए, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। बच्चों को शांत रखें, कंट्रोल में रखें परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना मांगती हूँ ऋषि के नाम में, आमीन। अच्छा बच्चों, लास्ट संडे हमने पढ़ा था किसके किसके बारे में? याकूब के बारे में पढ़ा था। याकूब ने क्या क्या था? अपने भाई एसाव से, एसाव का जो अधिकार था वो धोखे से अपने पिता से मांग लिया था, है ना? तो
उसके आगे अब याकूब को अधिकार मिल गया था, किस चीज का अधिकार मिल गया था? पहलौठे पद का, यानी कि बड़े बेटे होने का अधिकार किसको मिल गया था? याकूब को। बताया होगा ना मौसम आंटी ने, दो भाई थे, एक छोटा भाई था याकूब और बड़ा भाई था ऐसाओ। बड़े भाई का जो अधिकार था ऐसाओ का, वो किसको मिल गया था? छोटे भाई याकूब को। याकूब ने कैसे लिया था? धोखे से, ठीक है। उसके आगे क्या हुआ वो अब हम सीखेंगे। तो क्या हुआ था ऐसाओ के साथ, क्या हुआ? धोखा हुआ था, ठीक है। वो ये बाइबल में कहाँ पे है ये वर्स? ये स्टोरी है बाइबल में उत्पत्ति 27 का 30-42, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे हम क्या हुआ था। नेक्स्ट हाँ देखो, याकूब ने क्या किया, आया धोखे से अपने ऊपर खाल वाल पेट के आया था, और उसने क्या किया, धोखे से आके अपने पिता से याकूब से ऐसा अपने बड़े भाई का जो अधिकार था, जो उसके आशीर्वाद थे, है ना, जो याकूब को इशाक को ब्लेस करना था, किसको? ऐसाओ को। वो धोखे से किसने छीन लिया? याकूब ने। सिस्टर आप फर्स्ट वाली पिक्चर दिखा दीजिए प्लीज। हम देखो ये याकूब ने क्या किया, धोखे से अपने पिता से अधिकार छीन लिया। कैसे? अब खाना खिला के अपने पिता को, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था ना इशाक को के कौन सा उनको, उनकी आंखें धुंधली हो गई थी, ठीक है। तो फिर अब उसके आगे क्या होता है वो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट दिखा दीजिए सिस्टर। हाँ देखो पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, ऐसाओ ने क्या किया, ऐसाओ क्या था? शिकारी पुरुष था। शिकारी क्या होते हैं आपको पता है? किसी को पता है शिकारी क्या होता है? बस हाथ ऐसे हाथ ऊपर करके बताएंगे थम्स अप करके, शिकारी क्या होता है? हाँ शिकारी होता है जो जंगल से शिकार करके लेके आता है, यानी कि जानवर को मार के, एनिमल को मार के, और उसका मीट जो है वो लेके आता है, उसको बोलते हैं शिकारी, ठीक है। तो देखो या ऐसा जो था वो शिकारी पुरुष था, और उसने अपने इसहाक ने अपने बेटे ऐसा से कहा था कि शिकार करके मेरे पास लेके आ, और स्वादिष्ट सा भोजन बना के लेके आना मेरे लिए, ताकि फिर मैं तुम्हें जी भर के आशीर्वाद दे सकूं, है ना। उससे पहले ही कौन लगाया था? याकूब। तो जब ईसाओ शिकार करने गया और शिकार करके खाना बना के लेके आया, देखो देख रहे हैं ना पिक्चर में कितना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, बहुत टेस्टी फूड है। तो वो अपने पिता के लिए लेके आया, जब वो खाना लेके गया तो इशाक क्या कहता है? नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएंगे। तो हेलो हाँ देखो ऐसा उन्होंने क्या किया, वो एकदम गरम गरम खाना लेके आया वो इशाक के लिए, टेस्टी टेस्टी फूड बना के, और फिर कहता है कि हे मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे, देख मैं ये खाना खा और फिर मुझे जी भर के आशीर्वाद देना। फिर क्या होता है, फिर ये बात सुन के क्या होता है ऐसा को, ऐसा बहुत डर जाता है, वो सोचता है कि मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब ये कौन आ गया मेरे से आशीर्वाद मांगने, है ना। उससे पहले वो आशीर्वाद किसको दे चुका होता है? याकूब को। अभी जो बड़ा बेटा था ऐसाओ वो आशीर्वाद मांगने आया था अपना, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि हे मेरे पिता ये खाना खा और इसके बाद मुझे आप जी भर के आशीर्वाद देना, तो ईसाक क्या करता है? डरने लगता है, अरे ये क्या हो गया मुझसे, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब ये कौन मुझसे आशीर्वाद मांगने आ गया। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपका बड़ा बेटा ऐसाओ हूँ। तो ध्यान रखना बच्चों, बड़ा बेटा कौन था? ऐसाओ। याकूब कौन था? छोटा बेटा था। फिर वो कहता है कि फिर जो अभी खाना लेके आया था मेरे पास वो कौन था? फिर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि याकूब मुझसे धोखे से आशीर्वाद लेकर चला गया। और फिर क्या होता है, वो जो ऐसाओ होता है, इनके बड़ा बेटा जो होता है, वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है कि जो मतलब जो आशीर्वाद मुझे मिलना था वो अब मेरे भाई ने मुझसे छीन लिया, उसने धोखा किया है मेरे साथ, है ना। और इस बात से ऐसाओ को भी बहुत दुख होता है कि मतलब उसने गलत किया है। तो
या ऐसा बड़ा बेटा जो होता है बहुत रोता है कि मुझे भी आशीर्वाद चाहिए था, मुझे भी वो अपने बाप से कहता है, अपने पिता से कि क्या आपने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं छोड़ा हुआ है अभी तक, कि मुझे कुछ तो आशीर्वाद दो। फिर ऐसा कहता है कि मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, मैंने उसको क्या कर दिया, तुम्हारे जो मेरे पास आशीर्वाद लेने आया था मैंने उसको तुम्हारा प्रधान बना दिया है, यानी के छोटे बेटे को, है ना। और वो बहुत रोता है, इतना पश्चाताप करता है, इतना ज्यादा मतलब अपने आप को गिल्ट फील करता है कि मतलब मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है उसको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसको आशीर्वाद, जबकि देखो उस टाइम पे क्या होता था, जो बड़ा बेटा होता था ना उसको ढेर सारे आशीर्वाद मिलते थे, ये परमेश्वर के साइड से। जैसे कि जो बड़ा बेटा होता है उसको ढेर सारा प्यार मिलता है, फिर जो छोटा होता है उसको फिर उनका प्यार बढ़ता चला जाता है। ऐसे क्या होता था पहले टाइम पे, जो बड़ा बेटा होता ना उसको परमेश्वर के साइड से और उसके पिता भी देते थे कि वो बहुत जो आशीर्वाद जिसका होता था अपने पिता अब उसका पिता उसको देता था बड़े बेटे को, लेकिन बड़ा बेटा कौन था यहाँ पे, ऐसा था, तब भी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं मिला, जबकि परमेश्वर के वचन में था कि बड़े बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा को नहीं मिला, याकूब को मिल गया, है ना। वो क्यों हुआ था ऐसा, तो उसने ऐसा उसके साथ इसलिए हुआ था। एक बार बहुत पुरानी बात है, तब उस टाइम पे क्या हुआ था, जब वो शिकारी था ऐसा, वो शिकार करके आया, उसको बहुत भूख लगी हुई थी। जैसे कि हम कहीं से काम करके आते हैं तो फिर क्या होता है, हम बहुत स्कूल से आते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, बहुत भूखे होते हैं, जल्दी से कहते हैं मम्मी खाना दो, है ना। तो उस टाइम पे ऐसे ही ऐसा के साथ हो रहा था, वो शिकार करके आया, उसको बहुत भूख लग रही थी और खाना किसके पास था, याकूब के पास था। तो याकूब से बोलता है कि याकूब मुझे खाना दे दे, वो बोलता है कि पहले तो मुझे, अब याकूब जो था वो बहुत बहुत चालाक था, है ना, उसने बोला कि अच्छा तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, वो कहता है हाँ मुझे आशीर्वाद चाहिए। फिर उसने कहा देखो आशीर्वाद में सॉरी खाना चाहिए, उसने कहा हाँ मुझे खाना चाहिए। फिर खाना उसने खाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। कहने लगा क्या, कि जो तेरा अधिकार है, यानी कि जो तेरा पहलोटे का अधिकार है, बड़े बेटा होने का अधिकार है, वो मुझे बेच दे खाने के बदले, है ना। देखो बड़े बेटे के अधिकार में क्या क्या आता था, बहुत सारा धन आता था, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं ना, बहुत सारा धन है और बहुत सारी चीजें हैं और प्रधानता आती थी, यानी कि जो बड़ा बेटा होता था बहुत उसके लिए उसका परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद रहता था, कि बहुत ज्यादा हर चीज में उसको बहुत आशीष दिया जाता था, बहुत ज्यादा ब्लेस किया जाता था। तो उसने याकूब ने सोचा कि आज मेरा मौका है, आज मैं इसका अधिकार छीन लेता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना तो दे दूंगा ऐसा, पर तुम्हें अपना जो अधिकार है पहलोटे का, यानी कि बड़े बेटे होने का, वो तुम मुझे दे दो। तुम कह दो कि आज से बड़ा बेटा याकूब है और मैं अपना अधिकार, जो मेरा अधिकार है, वो मैं याकूब को दे रहा हूँ। तो फिर उसने याकूब ने ऐसा उन्हें सोचा, यार मैं तो अभी भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बड़े बेटे के अधिकार का मैं क्या करूंगा, है ना, मुझे तो बस खाना चाहिए। तो उसने क्या किया, दाल रोटी के लिए उसने अपना अधिकार याकूब को दे दिया। उसने कहा ठीक है तुम मुझे खाना दे दे, मैं क्या करूंगा, अपना अधिकार तुझे दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने वो खाना, एक टाइम का खाना था वो, सिर्फ दाल, मसूर की दाल और रोटी, उस खाने के लिए अपना इतना सारा पूरी जिंदगी का आशीष जो था, अपना अधिकार जो था, वो किसको दे दिया, याकूब को दे दिया। देखो सिर्फ इस दाल रोटी के लिए उसने अपना इतना सारा, जो जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, इतना सारा अधिकार था, इतना सारा धन था, इतना सारा आशीष था उसके जीवन में, वो सब किसके लिए दे दिया, सिर्फ एक टाइम की दाल रोटी के लिए, है ना। तो क्या करा उसने, परमेश्वर ने जो उसको बड़ा बेटा बनाया था, बड़ा बेटे बनने के लिए उसने अपने आप को तुच्छ समझा था, यानी कि उसने अपने अधिकार को समझा कि इस अधिकार का मैं क्या करूंगा, इससे क्या फायदा, मुझे तो खाना चाहिए, है ना। उसने अपने अधिकार, अपने जो परमेश्वर ने उसको अधिकार सौंपा था, उसको उसने तुच्छ समझा, तुच्छ यानी कि यस दीदी, मतलब ये तो बेकार है, इसका क्या करूंगा, मुझे तो खाना चाहिए, खाना बहुत अच्छा है ना। तो इस वजह से क्या हुआ था, याकूब को सॉरी ऐसा को क्या नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला था, है ना। वो फिर धोखे से याकूब के पास चल गया था, है ना। फिर आगे क्या होता है नेक्स्ट, फिर
हाँ ऐसा उन्होंने क्या करा, ऐसा उन्होंने ऐसा के पास जो मौका था ना उसको आशीर्वाद पाने का, वो उसने क्या कर दिया, खो दिया था, क्योंकि वो उसने आशीर्वाद उसने उसको तुच्छ समझा था अपने अधिकार को। ठीक है, तो हमें हमारे जीवन में अगर कोई भी वरदान परमेश्वर देता है या कोई भी वरदान में समझते हो ना, कोई भी काम परमेश्वर ने दे दिया चाहे वो बहुत छोटा सा काम हो, है ना, तो हमें उसको इन समझना, यार ये छोटा सा काम मैं क्या करूंगा। अगर हमें दिया है, हमें घर में कोई आता है मेहमान या परमेश्वर के जन आते हैं, तो हमारा हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको पानी पिलाए, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा वरदान होता है। या हम उनके लिए कुछ करे, है ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे छोड़ो यार मम्मी कर देगी, मेरा दूसरा बहन भाई कर देगा, कोई भी कर देगा, मैं क्यों करूँ, पानी ही तो पिलाना है, है ना, ऐसा नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, अपने छोटे से छोटे काम को भी परमेश्वर की नजर में तुच्छ नहीं समझना है, यानी कि बेकार नहीं समझना है। हमें क्या देना है, हाँ अगर ये परमेश्वर ने मुझे काम दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बहुत अच्छे से करना है, है ना, वरना मेरा हाल कैसा हो जाएगा, ऐसा के जैसा हो जाएगा। उसने फिर बाद में वो इतना रोया, इतना सब कुछ किया उसने, लेकिन उसको वो चीजें नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे। फिर एसाव उसको समझाता है, सॉरी इसाक उसको समझाता है अपने बेटे याकूब एसाव को, अपने बड़े बेटे को, कि अब रोकर क्या फायदा, यानी कि अब तुम रो रहे हो, इतना पश्चाताप कर रहे हो, अब क्या फायदा, अब तो मैंने आशीर्वाद दे दिया याकूब को, अब और वो आशीर्वाद उसको लगा भी रहेगा, है ना, यानी कि एक बार अगर आशीर्वाद दे दिया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते, तो वो उसी के पास चला गया। फिर उसको समझाता है कि अब मत रो, अब रोकर कोई भी फायदा नहीं है। फिर क्या होता है, फिर याकूब अभी देखो इतना सब कुछ था एसाव के पास, वो सब कुछ तो किसने ले लिया, याकूब ने ले लिया, तो याकूब एसाव को क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है, तो उसने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, उसने बहुत गलत किया है मेरे साथ, ठीक है आने दे, टाइम आने दे, मैं भी उसको देख लूंगा, है ना, ऐसे करके उसने समझ उसने सोच रखा था कि जब भी ऐसा कुछ टाइम आएगा तो मैं ना याकूब को मतलब बहुत ज्यादा वो करूंगा, मतलब लड़ाई करूंगा या मैं उसको मार दूंगा, है ना, उसने सोचा कि मैं मार दूंगा उसको, जब वो मर जाएगा तो अधिकार भी मेरा ही हो जाएगा, है ना, उसने सोचा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ याकूब ने भी अच्छा नहीं किया था, धोखे से उसने आशीर्वाद लिया था, किससे, याकूब ऐसा उसे, उसने भी अच्छा काम नहीं किया था, हमें धोखा भी नहीं करना है और हमें अपने भाई से फिर बैर भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर कोई चीज हमसे छीन ली जाती है या हमारे पास नहीं रहती है ना, ये नहीं करना कि कोई बात नहीं मेरा भी टाइम आएगा मैं भी देख लूंगा तुझे, है ना, मैं अब आगे से मैं भी तुम्हें मारूंगा या जब घर में कोई नहीं होगा ना मैं तुम्हें, अभी होता है बड़े बहन भाई जो होते हैं ना वो क्या सोचते हैं कि मम्मी पापा के सामने छोटे बहन भाई को हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब मम्मी पापा नहीं होंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, है ना। तो ऐसे ही आपको उसने सोचा था, उसने सोचा था मेरा पिता तो मरने वाला है और उनके मरने के बाद मैं क्या करूंगा या ऐसा को मार दूंगा। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा नहीं सोचना है हमें, हमें क्या करना है, अगर किसी ने अगर हमारे बहन भाई ने हमसे कोई चीज ले ली या छीन ली, कुछ भी कर लिया, तो हमें एक उनसे बुराई नहीं करनी है, उनके लिए गलत नहीं सोचना है, वरना परमेश्वर को बहुत गलत लगता है ना, हमसे पाप में पड़ जाते हैं। और दूसरा, हमें दूसरों से धोखे से भी चीजें नहीं लेनी है। ठीक है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है ना वो हमें टाइम पे मिल ही जाएगा, है ना, हमें धोखा भी नहीं रखना है, है ना। तो फिर जब उसने देखा कि अब ये बात याकूब उसकी माँ रेबेका को पता चल गई, किसकी माँ, एसाव और याकूब की माँ रेबेका, उनको पता चल गई, पता चल गई कि एसाव ने अपने मन में सोचा है कि जब याकूब मर सॉरी इसाक यानी उनका पिता मर जाएगा तो मैं याकूब को मार दूंगा। तो फिर उसने कहा, अपने बेटे याकूब को समझाती है कि देख याकूब तुझे मार डालना चाहता है ऐसा हो, तो तुम ऐसा करो अपने यहाँ से मतलब भाग जाओ। वो अपने मामा के यहाँ उसको भगा देती है, किसके मामा के यहाँ, याकूब के मामा के यहाँ, है ना। नेक्स्ट देखो, जा रहा है ना याकूब, तो उसने क्या किया, उसने उसको समझाया कि याकूब तुझे सॉरी याकूब तूने आशीर्वाद धोखे से ले लिया है और अब ऐसा हो तुम्हें क्या कर देगा, मार देगा, तो तुम जाके अपने नाना के घर पे रहो, है ना। तो वो जा रहा है, देखो है ना। फिर नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे, नेक्स्ट। तो हाँ, हमने अब क्या सीखा इसमें कि हमें एक तो हमें धोखा नहीं करना है, ठीक है, धोखा भी नहीं करना है हमें और बुराई भी नहीं करनी है। अगर हमसे बुराई की भी है किसी ने तो हमें उसके साथ भलाई ही करनी है ना। बुराई और भलाई का मतलब समझते है ना बच्चे,
भलाई होती है, यानी कि किसी के लिए भी हमें गलत नहीं सोचना है। और अगर हमने हमसे किसी ने कुछ गलत कर भी दिया है, अगर हम हमारी कोई चीज चुरा ली या उठा ली और मैं पता चल गया कि हमारे पास हमारी चीज उसके पास है ना, तो हमें ये नहीं कि मैं भी उसकी वो चीज उठा लूंगा तो मेरा उसका हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना, ऐसे क्या होगा, ऐसे तो उसमें हमें क्या फर्क होगा, कुछ भी नहीं। हमें क्या करना है, अगर उसने उठा ली तो कोई बात नहीं, हमें माफ कर देना है। और फिर जब वो देखेगा कि यार मैंने ये चीज उठाई थी या मैंने इसको मारा था और उसने मेरे को नहीं मारा और वो इतना अच्छा है, मैं इतना बुरा क्यों, है ना, तो इससे क्या होता है उसको सोचने का मौका मिलता है कि जब मैं उसको मारता हूँ तो भी वो कुछ नहीं कहता, और जब मैं अकेला पड़ जाता हूँ तब भी वो कुछ नहीं कहता, तब भी वो मुझे नहीं मारता, तो मेरे साथ हमेशा भलाई करता है। तो हमें क्या करना है, बुराई नहीं करनी है, है ना। जैसे कि अभी देखो रायका है, रायका ने अर्पण का मार दिया, तो उसने अब अर्पण सोचता है आने दो बाद में रायका को, मैं फिर उसको बताऊंगा और उसको पीटूंगा, है ना, उसको मार दूंगा फिर। लेकिन लेकिन अगर अर्पण सोचे कि कोई बात नहीं, रायका ने मार दिया, मैं रायका के साथ फिर भी भलाई करूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे भलाई करना सिखाया है। फिर रायका सोचेगी यार सही बात है, उसको कभी नहीं मारता, फिर मैं इसको क्यों मारूं, मैं भी नहीं मारूंगी, मैं भी अब उसके साथ अच्छे से रहूंगी। तो क्या होता है, हमें क्या करनी है, भलाई से बुराई को जीतना है, ठीक है। तो आपका याद करने वाला पद भी यही है, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, रोमियो 12:21। ओके, और लर्निंग पॉइंट क्या था हमारा, एक तो ये था कि हमें धोखा नहीं करना है, और दूसरा हमें परमेश्वर के दिए गए कामों को या दिए गए वरदानों को तुच्छ नहीं समझना है, और दूसरा तीसरा कि हमें अपने बहन भाई से या अपने किसी दोस्त से या किसी से भी बुराई नहीं रखनी है, ठीक है। तो अब हम वर्कशीट करेंगे, सब बच्चों को समझ में आया, ऐसे थम्स अप करके दिखाओ, सब बच्चों को समझ में आया, ओके वेरी गुड, ठीक है। अभी आप वर्कशीट करेंगे, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप बस हाँ या ना में जवाब देंगे, आप अपना हाथ उठाएंगे और जिसको मैं बोलूंगी वो फिर अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर बताएगा, ओके। एसाव अहेर का मांस लेकर आया था, किस चीज का मांस लेकर था, एसाव अहेर का, ओके। सब बच्चे कोई नहीं अपना बोलेगा, अपना हाथ उठाओ जिसको आंसर पता है ये सही है या गलत, एसाव अहेर का मांस लाया था, हाथ उठाओ किसको पता है। एंजेलिना आपने हाथ उठाया, बताइए सही है, दीदी सही है, वेरी गुड अंजना। याकूब ने धोखे से अपने पिता से आशीर्वाद लिया था, ऐसा हुआ था क्या, याकूब ने धोखे से आशीर्वाद लिया था, सारा यस दीदी, शीबा ने आंसर कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो, ओके। पहलोटा पुत्र, पहलोटा यानी कि बड़ा पुत्र याकूब था, क्या ये सही है, बड़ा पुत्र याकूब था, गलत, वेरी गुड दीदी, ये सारा ने आंसर किया था, ओके दीदी, टिक लगाना है या फिर सही गलत लिखना, बेटा टिक लगा दीजिए आप, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। एसाव ने याकूब से बैर किया, यानी कि उससे बुराई की कि मैं इसको मार दूंगा, ये सही है या गलत, बताओ बच्चों, हाथ उठाओ, आंटी को दिख रहा है क्या, एसाव ने याकूब से बैर किया, हाँ सैमुएल आप बताए, सैमुएल अर्पित आपने हाथ उठाया, सही, हमें अपने भाई बहनों से बैर रखना चाहिए, हमें अपने भाई बहनों, आखिरी लास्ट क्वेश्चन, हमें अपने भाई बहनों से बैर रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या, हमें अपने भाई बहनों से बैर रखना चाहिए, कौन बताएगा, राय का आप बताओगे, नो नो, वेरी गुड, हम अपने बहन भाइयों से बैर नहीं, ठीक है, ओके, इतना मेरा हो गया, आप कर लीजिए टैग को, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया है, तो आप क्या अपना वर्कशीट यहीं पे खत्म करना चाहते हैं या मैं इसको ग्रुप में डाल दो, वहां से लिख लोगे, दीदी ग्रुप डाल दो, ओके, खत्म कर लेंगे,
ओके ओके बेटा, देखो बेटा आज एक दिन लेट हो गया ना, आज एक दिन हम लोग घर पे कर लेते हैं, अगली बार मैं अभी बस ग्रुप में डाल देती हूँ। ओके तो हम लोग आज का संडे स्कूल फिनिश करते हैं। सिस्टर ओके मैम। आप फाइनल प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ ट्राई कर सिस्टर रिचा प्लीज। एक्सक्यूज मी दीदी, 2 मिनट समय दीजिए, हमारा बस होने वाला है। बेटा भूख लग रही होगी, बच्चों को बहुत लेट हो गया आज। टीना आप ही कर दो प्लीज। ओके फाइन, बच्चों सब लोग नील डाउन करो, आंखें बंद करो। ओके बच्चों मैं प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज साम्यल अर्पित। मैं देख रही हूँ बच्चों जिन जिनके आंखें बंद नहीं है। ओके वेरी गुड। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों के पास आती हूँ प्रभु जी। आपने जो आज के हमारे हमसे जो बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी हम सच में प्रभु जी एशाव की तरह ना हो प्रभु जी, जिसने अपना मौका खो दिया और बाद में जब रोने लगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ प्रभु। प्रभु जब आज का समय प्रभु जी आप जब हमें मौका दे रहे हो प्रभु, हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, ऐसे आप हमारी सहायता कीजिए। और प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम बुराई को भलाई से जीते प्रभु, और हम प्रभु जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ और बुरा ना करें। हे प्रभु जी ऐसे आप हमारी सहायता कीजिए, बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी वर्कशीट करने के लिए, आप इनकी हेल्प कीजिएगा और प्रभु जी इनको अच्छी हेल्प दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों बाय, प्रेज द लॉर्ड।